नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। शुरुआत करते हैं दैनिक राशिफल की। सबसे पहले जानेंगे सुबह का संक्षिप्त पांचांग। राशिफल 6 नवंबर 2021 का है। ये सूर्योदय होगा 6:35 पर, सूर्यास्त होगा 5:31 शाम को। तिथि है द्वितीया, नक्षत्र अनुराधा, वार शनिवार, पक्ष शुक्ल पक्ष द्वितीया और चंद्र राशि वृश्चिक, सूर्य राशि तुला। अभिजीत मुहूर्त 11:41 AM से लेकर 12:25 PM तक। राहु काल 9:19 से लेकर 10:41 सुबह तक। अब हम बात करेंगे उनकी जिनका जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, उन लोगों को ढेरों शुभकामनाएं। चलिए शुरुआत करते हैं आपकी राशि से। मेष राशि, आज के दिन थोड़ा उदास महसूस कर सकते हैं, काम में रुकावटें आएंगी, गाड़ी वाहन चलाते समय सावधानी रखें, शेयर मार्केट या सट्टेबाजी में निवेश करने से बचें, जीवन साथी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, वाद विवाद हो सकता है। आज का दिन प्रेम संबंध के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा, कमर के निचले हिस्से में तकलीफ हो सकती है, आपको अनावश्यक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। स्वभाव से आप काफ़ी रोमांटिक होंगे, लेकिन आज आपका निजी जीवन थोड़ा सा अस्त व्यस्त होगा और आपको बाकी चीज़ों में व्यस्तता ज़्यादा दिखाई पड़ेगी। वास्तव में आपका दिन फायदेमंद तभी होगा जब आप बहुत अच्छे मैनेजमेंट से, बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ काम करेंगे और अपने पेशेवर जिंदगी को और अपने पारिवारिक जिंदगी को अलग अलग समय देंगे, दोनों को मिक्स नहीं करेंगे तो आपका दिन बढ़िया बीत जाएगा। इसलिए सुनिश्चित करें कि कब क्या करना है, कब ऑफिस का काम करना है, कब परिवार का काम करना है, कब प्यार की बातें करनी है, कब ऑफिस की फाइलें खोलनी है। ये मैनेजमेंट अगर अच्छा कर लेंगे तो बढ़िया है। इसी प्रकार से बच्चों के लिए भी कब पढ़ाई करनी है, कब खाना है, कब खेलना है, इसका सही समय तय कर लें, आपको सफलता आज के दिन मिल जाएगी और आपकी मायूसी भी समाप्त हो जाएगी। बात करेंगे वृषभ राशि की। वाहन चलाते समय थोड़ा सा सावधानी रखें, टेंशन आज मन में बनी रहेगी, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा हो सकता है, टांग में या दांत में दर्द आपके हो सकता है, अनावश्यक वाद विवाद आपको घेर सकते हैं, पारिवारिक कलह आपको परेशान करेगी, दिल में खुशी का माहौल होगा लेकिन खुशी को सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे, मानसिक ऊर्जा बहुत अच्छी होगी लेकिन वक्त साथ नहीं देगा, जीवन साथी से मतभेदों को जितनी जल्दी दूर कर लेंगे उतना बढ़िया रहेगा, आपको अपने कार्य क्षेत्र पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता होगी, व्यर्थ की बातों में ध्यान नहीं देना है तभी आप अच्छा काम कर पाएंगे, पारिवारिक जीवन खुशनुमा बनाने के लिए बहुत प्रयास करने पड़ेंगे, स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सी कमजोरी दिखाई पड़ती है, इसलिए सेहत को लेकर लापरवाही ना बरतें और आज का दिन टेंशन भरा हो सकता है, अगर गलतियां करी तो बहुत परेशानी भी हो सकती है। बात करेंगे मिथुन राशि की। आज आपका स्वास्थ्य ढीला रह सकता है, आपके छुपे हुए शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, आपके मन की बात आप अपनी रणनीति को किसी के सामने व्यक्त ना करें वरना धोखा खा जाएंगे, जहां तक संभव हो किसी को धन या वस्तु उधार ना दें, ना किसी से उधार लें। यदि आप किसी परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा संघर्ष रहेगा, चोट चपेट लग सकती है, अनावश्यक वाद विवाद से बचने की कोशिश करिएगा, शत्रु आपको परेशान करेगा, आर्थिक दृष्टि से समय उत्तम रहेगा, संतान की तरफ से शुभ समाचार प्राप्त होंगे, भविष्य को लेकर कोई बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है, जो आपके करीबी मित्र हैं उनका साथ बना रहेगा, आपको समय समय पर अच्छी सलाह भी मिल जाएगी, लेकिन दिल की भावना आप किसी से बांटना चाहें तो आज आपको यहाँ पर थोड़ी कमी देखने को मिलेगी, वैवाहिक जीवन में किसी बात को लेकर उलझन बनी रह सकती है, आपको कुछ प्रोग्राम कैंसिल भी करने पड़ सकते हैं, कुछ चीज़ें जो आप चाहते हों लेकिन आपको मन मानना पड़ सकता है उन चीज़ों के लिए, तो मिथुन राशि वालों के लिए दिन 50-50 जाने की उम्मीद है। बात करेंगे कर्क राशि की। विद्यार्थी आज पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज होंगे, प्रेम संबंध बहुत बढ़िया होंगे, वैवाहिक जीवन बहुत बढ़िया होगा, व्यापार के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं, शेयर मार्केट में निवेश करने का या शेयर मार्केट में निवेश करने के तरीकों को सीखने का बहुत अच्छा दिन होगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, स्वयं को ऊर्जावान महसूस करेंगे, आज आपका रुझान अध्यात्म की तरफ होगा, ईश्वर की भक्ति में मन लगेगा, आज आप कुछ अच्छी योजनाएं बनाएंगे भविष्य को लेकर, आनंद की प्राप्ति होगी, आपके स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, निश्चित रूप से घर में खुशियों का आगमन होगा, पारिवारिक परेशानियां खुद ब खुद समाप्त हो जाएंगी, आपकी जिंदगी में राहत महसूस होगी, आपको कोई करीबी मित्र, कोई करीबी रिश्तेदार से खुशियां बांटने का मौका मिलेगा, आपके नौकरी व्यापार में भी अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे, यदि आपने कोई काम पहले शुरू किया था तो उसका रिजल्ट मिल जाएगा, परिवार में सुख समृद्धि और आनंद की प्राप्ति होगी। कर्क राशि वालों के लिए दिन
बढ़िया रहेगा। बात करेंगे सिंह राशि की। यदि आपको अपनी माता जी का आशीर्वाद चाहिए तो उनके पैर दबाइए, उनसे अपनी माफी मांगिए अगर आपने कोई गलती कर दी, और माता जी का आशीर्वाद मिलते ही आपका समय बेहतर शुरू हो जाएगा। आज का दिन कोई खरीदारी करने का हो सकता है, आज का दिन परिवार के साथ वक्त बिताने का हो सकता है, जीवन साथी से रिश्ते अच्छे बने रहेंगे, सामाजिक और पारिवारिक कामों में आप बिजी हो सकते हैं, कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी आपने उम्मीद ना की हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है जिसकी आपने उम्मीद की हो और वो काम पूरा ना हो। तो आज जोखिम भरा दिन तो है ही, आज ऊर्जा से आप भरपूर रहेंगे, आप सोची समझी प्लानिंग के साथ काम करेंगे, किसी को ऊंचा नीचा या किसी के बारे में गलत कमेंट पास करने से बचिएगा। यदि आपको खाली समय मिलता है तो निश्चित रूप से आप कोई अधूरा काम आज निपटा लेंगे, आज आप खाली नहीं बैठेंगे, आज आप व्यस्त रहेंगे अपने इधर उधर के कामों में और धीमे धीमे अपने पुराने अधूरे काम भी पूरे कर लेंगे। तो कुल मिलाकर दिन अच्छा है, बहुत साधारण सा सिंपल सा दिन है, कब शुरू हुआ कब बीत जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। बात करेंगे कन्या राशि की। आज आपके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको विशेष परिश्रम और प्रयास करने की आवश्यकता होगी, कोई नया मित्र बन सकता है, पड़ोसियों से संबंधों में सुधार होगा, संभव है कि किसी नजदीकी रिश्तेदार के घर मिलने जुलने जाए, सावधानी पूर्वक वाहन चलाए नहीं तो दुर्घटना का भय बना हुआ है, स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी रखनी होगी, अनावश्यक भारी भोजन को करने से बचे, ज्यादा मीठा खाना या ज्यादा बाहर के खाने को अवॉइड करें तो बढ़िया होगा, किसी पुराने मित्र या किसी जानकार से अचानक से बातचीत या मुलाकात संभव है, इनकम के जरिए से धन बहुत कमाने वाले होंगे आप, पैसा आज आएगा आपके पास दो चार जगहों से, यानी आमदनी बढ़ सकती है, पैसों के मामले में सफलता मिलेगी और आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, किसी से लड़ाई झगड़ा वाद विवाद मत करिएगा, आज दाम्पत्य को जीवन को लेकर भी दिन सामान्य बीतेगा, प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। बात करेंगे तुला राशि की। आज कड़ा संघर्ष करने का दिन होगा जिसके कारण परेशानी होगी, छोटे मोटे झगड़े हो सकते हैं, भाई बहनों से थोड़ी तनातनी हो सकती है, कोई भी निर्णय तब तक ना लें जब तक आप पूर्ण रूप से ये न जान लें कि ये निर्णय सही है, वरना किसी की सलाह लेकर लें, पैसा कड़ी मेहनत से प्राप्त होगा, जीवन साथी के संबंध मधुर बने रहेंगे, आपके बच्चे भी श्रेष्ठतम परिणाम प्राप्त करेंगे, आपको मित्रों का सहयोगियों का साथ प्राप्त होगा, परिवार के लोगों के साथ अनबन होने की संभावनाएं हैं, नए लोगों से रिश्ता बनने वाला है, आपकी इनकम बढ़ने के चांस है, आपका मन कामों में लगेगा, पैसों के मामले में कुछ समस्याएं छोटी मोटी आ सकती हैं और पैसों का देखभाल भी ठीक तरीके से करिएगा, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले सोच विचार अवश्य कर लें, विश्वासघात आज आपके साथ हो सकता है, रोजमर्रा के काम बिना किसी रुकावट के पूरे हो जाएंगे, पार्टनर के साथ ईमानदारी से और प्यार से बात करें, आज प्यार में जितनी मिठास होगी दिन उतना ही बेहतरीन बीतेगा, धैर्य बनाकर रखिएगा वरना कोई गड़बड़ हो जाएगी। बात करेंगे वृश्चिक राशि की। आज आपके परिवार में उत्सव जैसा माहौल होगा, किसी सामाजिक गतिविधि में शामिल होंगे, आर्थिक पक्ष से संतुष्ट रहेंगे, परिवार के लोग आपसे प्रसन्न रहेंगे, आपकी वाणी से आप दूसरों का दिल जीत लेंगे, आज खरीद फरोख्त का विचार रद्द करके परिवार वालों के साथ वक्त बिताएंगे, आपकी दाहिनी आंख में कुछ समस्या आ सकती है, आमदनी के नए रास्ते खुलेंगे, व्यापार बढ़ेगा, व्यापारिक कार्यों में जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा, आज आप अपना थोड़ा ध्यान रखिएगा, आज आप थोड़ा बिजी रहेंगे, थोड़ा खान पान का ध्यान रखिएगा, कोई नई योजना का विस्तार कर सकते हैं, विदेश जाने की योजनाएं बन सकती है, विदेश से संबंध स्थापित हो सकते हैं, आज आपके काम की तारीफ होगी, प्रमोशन होने के योग हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थियों के लिए समय बढ़िया रहेगा, आज आपको मल्टीनेशनल कंपनी से जॉब के ऑफर आ सकते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग या प्रॉपर्टी से संबंधित जो काम है उनमें बढ़िया खरीद और फरोख्त होगा जिसमें लाभ होगा, संतान के प्रति विश्वास बढ़ेगा, परिवार वालों के साथ सुख शांति बनी रहेगी, पति पत्नी का साथ बना रहेगा और कुल मिलाकर एक शानदार दिन वृश्चिक राशि वाले आज हर मामले में बिताएंगे, सेहत भी शानदार रहेगी। बात करेंगे धनु राशि की। आज आपका दिन थोड़ा सा परेशानियों भरा रहेगा, टेंशन बनी रहेगी, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा, समस्याओं के कम करने के लिए भगवान शिव की आराधना करिएगा, प्रेमी प्रेमिका का दिन थोड़ा सा बढ़िया रहेगा, आपका स्वास्थ्य कमजोर रहेगा, मानसिक तनाव बढ़ेगा जिससे कामों में दिक्कतें आएंगी, भाग्य की कृपा से कुछ रुके हुए काम बन जाएंगे लेकिन टेंशन उसमें भी बनी रहेगी, भाग दौड़ काफी बढ़ जाएगी, यात्रा में आपको मन चाहे खुशी प्राप्त नहीं होगी, संभव हो तो आज घर पर रहकर काम करें, ज्यादा बहुत ज्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका दाम्पत्य जीवन कमजोर रहेगा, जीवन साथी से नाराजगी बनी रहेगी, पूरा दिन रूठने मनाने में चला जाएगा, बच्चों से भी तनातनी बनी रहेगी, दिमाग आज कंट्रोल में नहीं रहेगा तो इसलिए जुबान फिसल सकती है, इसलिए मीठे शब्द बोलेंगे तो बढ़िया रहेगा,
धनु राशि वाले आज संभल कर रहे हैं। बात करेंगे मकर राशि की। आज निवेश करने के लिए विशेष शुभ दिन है। मुश्किल घड़ी में आज का किया हुआ निवेश फायदा देगा आपको। लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, आपकी वाणी मनमोहक होगी, आप लोगों का स्वागत करेंगे, लोगों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अथक परिश्रम से बचिएगा, स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दीजिएगा, बच्चों का मन पढ़ाई लिखाई में लगेगा। आज का दिन सामान्य से बेहतर है। लव पार्टनर के साथ कोई छोटा मोटा विवाद हो सकता है। राजनीति के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। तनाव भरा भोजन से दूर रहिएगा। पारिवारिक जीवन में कोई तनाव ना हो इसके लिए थोड़ा सा जुबान पर और अपनी बातों पर कंट्रोल करिएगा, कुछ गलत ना बोलिएगा। आज आप दुखी तब तक नहीं होंगे जब तक आप कि जुबान मीठी है, जुबान कड़वी हुई तो दुख आ जाएंगे। अपने निजी जीवन में या अपने व्यक्तिगत बातों के बारे में किसी से कोई बात ना करें, वरना मजाक उड़ सकता है या आपके राज खोल सकते हैं। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा मकर राशि वालों का। दिन अच्छा है लेकिन संभल कर बिताने का है। कुंभ राशि की बात करें तो आज सप्ताह का सर्वश्रेष्ठ दिन है। निश्चित रूप से आपको समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। व्यापारियों को निश्चित रूप से अनेक लाभ होने की संभावनाएं हैं। यह समय हर एक क्षेत्र में आपको लाभ देने वाला है। महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझ कर लेंगे तो डबल मुनाफा हो सकता है। ऑफिस में आज किसी बात को लेकर या घर में किसी बात को लेकर आपको बड़े बुजुर्गों से डांट पड़ सकती है। ज्यादा क्रोध करने की वजह से आपका काम बिगड़ सकता है। प्रॉपर्टी में धन निवेश करने के लिए दिन बढ़िया रहेगा। किसी बात पर भाई बहनों से भी तनाव हो सकता है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई में भी आज डिस्टर्बेंस बना रहेगा। आपकी उलझनें कम हो सकती हैं। आज धार्मिक स्थलों की यात्रा पर जाने में जीवन साथी की तरफ से सपोर्ट मिल सकता है। जीवन साथी का सपोर्ट आज कुंभ राशि वालों को हर क्षेत्र में मिलने वाला है। यानी कि बहुत ही अच्छा दिन जाने वाला है कुंभ राशि वालों के लिए। तो हम इसे एक अच्छा दिन कहेंगे और इस दिन को आप पूरा इंजॉय करें और पूरा फायदा उठाएं। इसके लिए आज जो मौका मिले उस मौके को पकड़ लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। मीन राशि की बात करें, यदि आप किसी धार्मिक गतिविधि में भाग लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। बच्चों का प्यार और बच्चों की प्रसन्नता देखकर खुशी होगी। आज आपके लिए प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत बढ़िया है। जीवन साथी के प्रति लगाव बढ़ेगा। स्वास्थ्य बढ़िया है। व्यापारियों को नया व्यवसाय शुरू करने का श्रेष्ठतम दिन है। आज खरीदारी की जा सकती है। व्यस्त रहेंगे और बहुत इंजॉय करने वाले हैं परिवार वालों के साथ। शादीशुदा जीवन में अच्छे से बिताएंगे। संतान का सुख मिलेगा। परिवार में सुख समृद्धि बढ़ने वाली है। इनकम बढ़ने वाली है। कुछ नए रास्ते भी आज खुलते हुए दिखाई पड़ेंगे। कुछ लोग आपसे मिल सकते हैं लेकिन शाम के वक्त किसी से अनचाही झड़प हो सकती है जिसके कारण थोड़ा सा तनाव बढ़ जाए। शाम के वक्त परिवार वालों के साथ कहीं बढ़िया खाने पीने पर जा सकते हैं। मीन राशि वालों के लिए भी बहुत ही बढ़िया अच्छा दिन है। आज उन्हें कोई गिफ्ट वगैरह भी मिल सकता है मनचाहा। ये था आपकी राशि का राशिफल। उम्मीद करता हूँ इस राशिफल को सुनकर आपको ये पता चल गया होगा कि आगे आने वाला दिन आपका कैसा है और आज आपको किस भगवान की आराधना करनी चाहिए। आपको भगवान शिव की और भगवान हनुमान की आराधना करनी चाहिए जिससे आपके कष्ट दूर हो जाए और माँ दुर्गा को आशीर्वाद करें और माता पिता के चरणों को छू कर उनका आशीर्वाद लें तो और भी बेहतर रिजल्ट मिल जाएंगे। तो आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। आपको आज का दिन आपका और मंगलमय हो इसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आप सभी लोग आनंद से रहे, परिवार के साथ रहे, खुश रहे, सुरक्षित रहे। नमस्कार।